कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम एक आवाज में पूरा भारत ले जाना है। हमारा हुक्म ना मानकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान और फायदे का शाप तो व्यापारी लगाते हैं मंत्री जी, ये लग रहे हैं। हम तो सिर्फ ईमानदारी के तराजू में तोलते हैं। राणा प्रताप, ये तुम्हारी हठधर्मी है तो आप कर रहे हैं सर, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूँ। मैं आप सर भूल रहे हैं मंत्री जी, हर शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम बोली, तुम शायद भूल रहे हो, राणा को हाँ नहीं जी कहते हैं। तेरा भी माले राणा इस जवान से जी नहीं कह पाएगा। मैं कितना समझाए बोली, राणा को हाँ नहीं जी बोलते हैं और पिंजरा तो वो है जहाँ से तुम्हें मंगवाया गया है। ये तो शेर की गुफा है, यहाँ पर तुम्हें करवट मिली तो समझो मौत को बुलावा दिया है। राम राम कलेक्टर साहब। राम राम। मैं शिकारपुर का सरपंच आपको बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ, आपने हमारे जिले की जो रखवाली दी है। क्या चौधरी साहब ये भिड़ के आए? नहीं, ये वो है जिसके आने से हवाएं रुक जाती हैं, पैर कांपने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, ये वो है। नहीं चौधरी साहब। नहीं हम तो वो है जिसे तुम्हारी माँ ना भूल सकी। तुम क्या बोलोगे चौधरी? चलो 25 ईयर ओल्ड। खड़े होने की आदत नहीं है राणा, हमें कोई बैठने के लिए नहीं कहता, हम खुद बैठ जाते हैं। ये कौन है? ये राणा है राणा, इनके सामने खड़े होकर बात करने की तमीज होनी चाहिए, नहीं तो ये भगा देते हैं। खड़े हो जाओ। यहाँ बैठना वो है जिसे हम आमंत्रित करते हैं, तुम हमें सलाम करने आए हो, तुम्हारी जगह उस कोने में है। खड़े हो जाओ। तुम जानते नहीं राणा, हम चौधरी हैं चौधरी, जड़ से मिटा। अगर तुम्हारी चट्टान तोड़ने की इच्छा है तो उसे तोड़ ले, उसे उठाने की कोशिश मत कर, कुचल दिया जाएगा। इसी तरह राणा से मिलने की इच्छा है तो मिल ले, दुश्मनी मत कर, जड़ में खोद दिया जाएगा, जिंदा भाग दिया जाएगा। यानी उन कलाकारों से मिलाओ जो मामा की तस्करी में पकड़े गए थे। आपका ये कौन है? साल्या तैनू नहीं पता? सिद्धू है, सिद्धू मूसे वाला। हुण इहदा की कसूर है? जज तो लैके क्रिमिनल तक ते क्रिमिनल तो लैके जज तक सारे इहनू सुणदे है, इही कसूर है इहदा। कलाकार तुम्हारे पास जो माल है उसे मेरे लिए दो और यहाँ से दफाओ। राणा तुम भागने की बात कर रहे हो, भागने को तो हम पूरी जेल को लेके भाग जाएं। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराग नहीं होता, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें इतना ही भागने का शौक है तो हम तुमसे वादा करते हैं एक दिन तुम्हारे लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा और तुम्हारे सामने जब तुम नजर उठा के देखोगे तो तुम्हारे सामने राणा प्रताप खड़ा होगा कानून की ऊंची दीवार के साथ। बंद कर दो इन्हें। फिर भी एक मिनट, मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी कलाकार हो, मेरे लिए यहाँ कलाकारी करके दिखाओ, अगर अंदाज पसंद आया तो हम तुम्हें जाने देंगे।
मंत्री जी। ये कहते हैं गिर जा। इतना भी मान ले राणा इस जवान से जी नहीं कह पाएगा। मौत को बुलावा दिया है। क्या चौधरी साहब ये भिद किया है? चुप। खड़े होने की आदत नहीं है राणा, हमें कोई बैठने के लिए नहीं कहता, हम खुद बैठ जाते हैं। चिड़ी बाद में खाना खा कर आ रही है। आपका हुक्म सलाम कर रहा है।